नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी कब्ला करोड़ आपकी सीक्षाएं मन रुकम दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी करूंगा और यहाँ पर आपके जो सबसे पहले क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल फॉर्म रीडिंग पर आएंगे तो यहाँ पहला प्रश्न आपका है कि गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेज है और कब तक होने के चांसेज हैं तो सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट होने के आपके हथेली में पूरे के पूरे योग हैं क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य रेखा है बाहरी मंगल से निकलते हुए सीधे सूर्य के क्षेत्र पर जा रही है और इस कंडीशन में अपने हार्ड वर्क के बदौलत जीवन में डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होने के साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा रिवॉर्ड अवार्ड या फिर लाइफ में सिक्योर जॉब व सेटिस्फैक्ट्री जॉब पाने के चांसेस यह क्रिएट करता है और ऊपर से कोई भी क्रॉस का साइन या फिर ये माउंट में कोई कमी है नहीं तो जब सूर्य की स्थिति ठीक होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वर्क करने वाले देखने को फिर मिलने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी लॉयल्टी काम के प्रति क्रिएट होने लगती है और कभी किसी भी प्रकार के पराक्रम मेहनत से अपने करियर के रिगार्डिंग काम के रिगार्डिंग वर्क के रिगार्डिंग पीछे नहीं हटते इसीलिए इस कंडीशन में जो भी काम हाथ मिलेंगे अपने ओर से हंड्रेड परसेंट डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे तो इधर की तरफ से तो दिख गया कि सूर्य आपको आ, सफलता निश्चित रूप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे चीजों में दिला पाएंगे ऊपर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने में माइंड का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है इसलिए माइंड लाइन भी आपकी तकरीबन स्ट्रेट है और लॉन्ग है तो इस कंडीशन में सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है तो ये तो दोनों कॉम्बिनेशन है ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन के और माइंड लाइन के भी भी ऊपर देखेंगे तो यहां से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है जो सेटन तक तकरीबन पहुंच गई है तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन और खुद के द्वारा किए गए किसी प्रकार के मेहनत या प्रयास से इस कंडीशन निश्चित रूप से लाभ मिलता है तो पहली यहाँ प्रोग्रेस जो लाइन निकली हुई है वो निकला हुआ है तकरीबन पच्चीस का उम्र यहाँ पर ही यह हो जाएगा और जो दूसरा निकला हुआ है वो तकरीबन निकला हुआ है आपका छत्तीस की उम्र में तो यानी ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स ये दोनों उम्र रहे ऐसे रहेंगे जिसमें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंजेस आएगा जिसके अंतर्गत रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज या कोई ना कोई बहुत बड़ा डिज़ायर एम्बिशन आपका लाइफ के प्रति निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला रहेगा लाइफ में पहले प्रोग्रेस के बाद ही आपका जो है सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो चुका है तो उम्र तकरीबन हार्डली ट्वेंटी सेवन एंड एट के आसपास में ही आपका मैरिज का चांसेस भी कंफर्म है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जुपिटर माउंट डेवलप ठीक है तो अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं और आपके जो स्पॉस रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके प्रति फैमिली लाइफ के प्रति सबके प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एक तो सपोर्टिव लाइन जब लाइफ लाइन के प्रल चलती है तो पार्टनर एक ऐसा ही मिलता है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा ही गुड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी में देखने को मिले ऊपर से मून लख लेने तो सक्सेस आफ्टर मैरिज या कंफर्टेबिलिटी बढ़ने जैसे योगों को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है इसीलिए आप आपका जो प्रश्न है कि स्पाउस जो रहेंगे वो फैमिली की केयर करेंगे या नहीं तो निश्चित रूप से यहाँ पर करने वाले रहेंगे इसके बाद यहाँ पर, पर प्रश्न ये है आपका कि दुनिया के हिसाब से नॉलेज कितना है आपके पास तो यहाँ पर जब भी जुपिटर माउंट एक तो डेवलप देखने को मिले तो इस कंडीशन में नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं होती है दुनियादारी का हिसाब किताब बहुत अच्छा देखने को मिलता है ऊपर से माइंड लाइन लॉन्ग है तो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के गेन करेंगे जिसके बिहाव पे अभी तो नहीं लेकिन आगे चल करके आगे चल के यानी पच्चीस की उम्र के बाद से निर्णय लेने की योग्यता आपके हथेली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो इस इस कंडीशन के कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो दुनियादारी का नॉलेज है वो आ, एक प्रकार से पच्चीस की उम्र के बाद से आपके जीवन में बढ़ने वाला रहेगा और जहां तक बात करें कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है ऑब्वियसली बहुत अच्छी रहेगी शादी के बाद जीवन में प्रगति होगी साफ साफ ये मून लकलैन दिखा रही है मून लकलैन एक वो रेखा होती है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि जितने ज्यादा लोग आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्रगति होता जाएगा जितने नए लोग जुड़ेंगे बाहर के लोग जुड़ेंगे क्योंकि आपको लाभ ही दूसरे लोगों से मिलना है घर परिवार के लोगों से कम बाहरी दुनिया लोगों से ज्यादा मिलना है इसीलिए मून लकलैन में आग बनकर लोगों को ये सजेशन किया जाता है कि आप जन्म स्थान से दूर जाइए और ये असर भी करता है बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं जो लोग अपने बर्थ प्लेस को त्यागते हैं या फिर दूर जाकर के स्टडी करते हैं या यहाँ पर सेटलमेंट के विषय में सोचते हैं उनका एक्सट्रीम लेवल का लाइफ जो है स्टेबल हो जाता है यानी सारे डिजायर या एम्बिशन कंप्लीट होते हैं और आखिरी प्रश्न भी आपका यही है कि सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होगी कि नहीं होगी तो निश्चित रूप से होगी क्योंकि मून लक लाइन है तो मन का ही सारा काम कर पाएंगे और ऊपर से सेल्फ मेड लकलन जब सेटन तक पहुंचती है तो खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास बेकार नहीं जाता है इसलिए ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं जो कि दर्शा रहे हैं कि जीवन में आप फुली सेटिस्फाइड और अच्छे ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिलेंगे पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो यानी फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कम्पेरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग दिखाई पड़ रही है जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना खुद की कल्पनाओं में रहना ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है लॉन्ग फिंगर बेसिकली यहाँ पर और जो रेक्टेंगुलर पाम है ये बेसिकली वाटर हैंड को क्रिएट करता है जो कि सेंसेटिव इमोशनल और हाईली मूडी नेचर को इंडिकेट करता है आप जैसे ज्यादा तक ड्रीमी इंटेट्यू और थोड़े से रेसलेसनेस में भी देखने को मिलते हैं दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं के बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है और इसी तरह का जो प्यार है केयर है वापस रिटर्न में चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इमोशन बेस्ड डिसीजन लेने की योग्यता ज़्यादा प्राप्त हो जाती है और उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं जिसमें स्ट्रेस या कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो यहाँ पर फिंगर के बीच में जब थोड़े बहुत भी गैप मेंटेन होते तो अधिक खर्चे लेपन व जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को ये दर्शाता तो किसी के अंडर में ज़्यादा कम्फर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण भी बहुत कम होता है क्योंकि खर्च में कभी किसी प्रकार की रुकावट या एक प्रकार से अड़चन आपको पसंद नहीं आता लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से काफ़ी शॉर्ट है हल्का सा कम इसमें कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलता है बहुत सारी बातें जैसे मन के अंदर रखना या स्टेज पर बचपन में देखने को मिलना थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे दोनों के लेंथ तकरीबन सेम है जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना अपने आप को बिज़ी रखना या किसी के ना किसी काम में इंगेज रखना क्योंकि जुपिटर फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग स्किल्स देने लगते हैं और सन की फिंगर जो है रिस्क टेकर बनाते हैं तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे भी नहीं हटते और किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में जो है धीरे धीरे कर और ज्यादा प्रगति समृद्धि देने वाला रहता है और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आप जैसे आगे अलग अलग क्षेत्रों के विषय में कर पाने में सक्षम होते हैं सेड एंड फिगर हल्की सी टेल्टेड है तो हार्ड वर्किंग नेचर ऑब्वियसली आपका रहेगा और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है फ्रेंडली नेचर तो वहीं यहाँ की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में थोड़ा सा अनबन बन भेद और थोड़ी दूरियों की स्थिति उत्पन्न कर रहा है इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स हैं डेवलप क्लियर कट नहीं है जो कन्फ्यूजिंग माइंड सेट के निशानी होता है डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए क्योंकि बार बार डाउट करना माइंड डाइवर्ट होना अपने खुद के डिसीजन के प्रति देखने को मिलता है फिलेंजेस डेवलप ठीक है इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा और थम का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही यहाँ पर आप

तो प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है तो नेचर एंड अप्रोच भी रहेगा और आड़ी रेखा यहां पर दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी देगी अभी आपका जुपिटर माउंट इतना विकसित नहीं है कि अपने रिजल्ट दे सके बट यस नॉलेज के हिसाब से या लाइफ में पावर पोजिशन के हिसाब से जुपिटर अच्छा है सांसारिक व पारिवारिक सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा उसके रिगार्डिंग कोई चिंता मत करिए मेरिड लाइफ भी इवन बहुत अच्छी रहेगी सैडन माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके वी सिंबल का एक आकृति आपको देखने को मिलेगा ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा ही यूनिक प्लेस होता है और इस कंडीशन में यहाँ पर वी सिंबल बनना व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है अंधभक्ति नहीं होती लेकिन जब भी पूजा पाठ करते हैं मन्नतें मांगते हैं अपने या किसी और के लिए वो लग जाता है हो जाता है पूरा क्योंकि बहुत साफ़ सुथरे दिल के साथ जो है इस प्रकार की प्रक्रिया आप जैसे ज़्यादा करते हैं छल कपट नहीं होता है दूसरी बात आगे चल करके आगे चल के यानी ओल्ड एज की बात की जा रही है कि उस समय में आप कहीं कही ना कहीं सोशल वर्क बहुत ज्यादा करेंगे या एक प्रकार से भजन कीर्तन या ऐसे सारे कार्यों में एंगेज रहेंगे जिसमें धर्म का काम जो है जुड़ा हुआ हो और उन सब काम से आपको कहीं कही ना कहीं नाम भी होगा या फिर संतुष्टि निश्चित रूप से मिलेगी आपकी भाग्य रेखा शनि तक पहुंच पा रही है ये अपने आप में बहुत ज्यादा भाग्यशाली बात होती है क्योंकि इस कंडीशन में व्यक्ति कि जो भी इच्छा है वो अंततः पूरा होता है क्योंकि शनि ही हमको फाइनल रिजल्ट देते हैं सेटिस्फैक्शन देते हैं ग्रोथ देते हैं आपकी जो अनदर लक लाइन है वो सब रुक रुक करके चल रही जैसे ये माइंड लाइन पर रुकी तो आप मन का तो सारा काम करना शुरू कर देते लेकिन बीच मझधार में या बीच में ही छोड़ देते हैं फिर माइंड लाइन से रेखा निकली तो हार्ट लाइन पर रुक गई कि सोच विचार के भी जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें भावुकता के अंतर्गत उस उन निर्णयों में परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन जीवन रेखा से निकल के रेखा सीधे के सीधे आपकी शनि तक पहुंच पा रहा है इसलिए जो भी मेहनत आप कंसिस्टेंट बे, बेस्ड करते रहेंगे उसमें सफल हो जाएंगे एक अनदर आप लाइन देखेंगे जो हार्ट लाइन से कनेक्टेड है इस कंडीशन को कहते हैं ट्रूथ लाइन झूठ फरेप दिखाटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं और ओवरऑल सेटन की स्थिति ठीक है तो मेहनत के द्वारा जीवन में सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाएंगे जब भी सैटन या फिर सन की मिड में इस प्रकार की लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो इस कंडीशन को यहाँ पर विद्या रेखा कहते हैं जिसके तहत आपका ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आएगा इसीलिए एज ए कंसल्टेंट एडवाइजर मीडिएटर एजेंट कोई भी काम करने से लाभ अच्छा मिलता है और दूसरी बात करें तो सूर्य की स्थिति में एक सपोर्टिव लाइन भी आ रही है जो कि डबल सोर्स ऑफ फंडिंग को इंडिकेट कर रहा है तो सूर्य का स्थिति ओवरऑल ठीक है आपका शनि से भी रेखा निकल के सूर्य पर आ रहा है तो हार्डवर्क के द्वारा नेम रिस्पेक्ट पाने के चांसेस को भी ये इंडिकेट कर देता है सेटन और सन का जब भी कनेक्शन होता तो लाइफ इजी नहीं होती लेकिन इस कंडीशन में यह है कि हार्डवर्क जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट किसी भी चीज़ के प्रति बनाते चला जाता है इसीलिए ये सूर्य जो है एट द एंड रिस्पॉन्ड आपका अच्छा कर पा रहा है मरकरी माउंट की स्थिति भी आपके अतिल में सामान्य है मरकरी फिंगर थोड़ी सी डेफिनेटली डिस्टर्ब है लेकिन मरकरी माउंट अच्छा डेवलप्ड है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में धीरे धीरे सुधार या पकड़ अच्छा होने लगता है हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युगों को यहाँ पर ही इंडिकेट करता है वहीं जो आपकी यहाँ पर हृदय रेखा है वहाँ से रेखा निकल नीचे के नीचे की तरफ जा रहा है जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से लगाने से बचें ओवर ट्रस्ट करने से बचें ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचें पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचें इन सब चीज़ों से आप अगर बच जाए या दूर रहें तो आप कभी भी इमोशनल डिस्टर्ब या हर्ट नहीं होंगे क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा इमोशनल ही है यहाँ पर इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही दयालु करुणापूर्वक स्वभाव के देखने को मिलते हैं चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते एक जो रेखा जा रही है ये कहीं कही ना कहीं आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल और वर्कोहलिक नेचर देगी लेकिन एट द एंड आप इमोशन बेस्ड ही डिसीजन लेते हुए देखने को मिलेंगे माइंड और लाइफ लाइन में जब ऐसे आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो बचपन थोड़ा कष्टकारी स्वास्थ्य संबंधी विषयों में या फिर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देखने को मिलता है फिर माइंड लाइन का उद्गम जो है आपके मंगल के क्षेत्र से होता दिखाई दे रहा है उम्र तकरीबन सेवनटीन के आसपास में तो इसी पीरियड से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हिम्मत बढ़ा और इसके अलावा जो करेज है वो बढ़ने के साथ साथ आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया तो इसके बाद की जो माइंड लाइन है वो एकदम स्मूथली रन कर रही है और एक स्ट्रॉग लाइन मरकरी की तरफ भी जा रहा है तो अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी लाइफ में बढ़ पाती है और लाभ अपने जीवन में हर क्षेत्र में हासिल कर पाने में सक्षम हो जाते हैं और माइंड लाइन ओवरऑल स्ट्रेट है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये साइन बहुत अच्छा होता है इस कंडीशन में मेमोरी शार्प हो जाता है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है इसके अलावा किस समय क्या निर्णय लेना है किस प्रकार से अपनी बुद्धिमता का उपयोग करना ये भी स्किल डेवलप्ड हो जाता है हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और उसको बहुत ईजिली ग्रैप भी कर पाते हैं तो ये माइंड लाइन आपको इन सभी चीज़ों में बेनिफिट दे देने वाला यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर माइंड लाइन में एक और मंगल की रेखा आ रही है तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या डिस्टरबेंस आपको हार्डली ट्वेंटी फोर के एज तक रह सकता है उसके बाद में ऐसा कोई भी मेजर इशू नहीं है फिर दो राहु की रेखा ने काट के गया हुआ है ट्वेंटी सेवन के एज में और एक तकरीबन थर्टी एज के आसपास में ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है लाइफ में स्ट्रगलिंग इन द सेंस वर्क के रिगार्डिंग या फिर कोई डिजायर एम्बिशन कंप्लीट ना होना या फिर काम रुकना अदरवाइज इसके बाद में आगे चल के भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और सक्सेस तो आपको अभी है ही ट्वेंटी सिक्स के एज के आसपास बहुत ज्यादा ब्राइट इसलिए अभी आप इसके रिगार्डिंग काम करें तो लाइफ लाइन का देख सकते हैं कि झुकाव जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा जा रहा है और लाइफ लाइन की स्थिति भी बहुत ज्यादा बेटर होती चली जा रही है और जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद में लाइफ लाइन का झुकाव बाहर की तरफ जा रहा है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस को भी क्रिएट कर रहा है और सपोर्टिव लाइन 26 के पहले तक तो है ही नहीं तो ज़्यादा किसी से सपोर्ट की उम्मीद मत रखिएगा 26 के बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लाइन आ रही है तो उसके बाद से आप दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होना या फिर लाइफ में आपकी मेजर सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा और जब ये सपोर्ट सिस्टम रहेगा उसी समय बहुत सारे स्ट्रगल स्ट्रेसेज आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग या अपने काम के रिगार्डिंग आ सकता है लेकिन इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन क्रिएट हो रखी है कि आपको दूसरों का सहयोग मुसीबत आने के पहले से मिलना शुरू हो जाएगा इसीलिए आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा कुछ नेगेटिव असर अपना नहीं दे पाती हैं वहीं जब ट्रेंगल का साइन मौजूद होता है मंगल के क्षेत्र पर तो इस कंडीशन में स्पोर्ट लवर होते हैं नहीं तो स्पोर्ट में भी किसी न किसी प्रकार से लाभ पाने के योग निर्मित होते हैं भूमि का कारक हो जाता है मंगल इसीलिए भूमि निर्माण कर यानी प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे निर्मित होते हैं और जब भी ट्रेंगल का साइन हो तो ध्यान रखिए कि कभी भाई बंधुओं से लड़ाई मत करिएगा आप जब जब लड़ेंगे आपका भाग्य कम होगा तकलीफ आएगी इसीलिए जितना हो सके उनकी मदद कर दिया इंटरनल की स्थिति वैसे ठीक ठीक है है आउटर भी है, तो शारीरिक गठन जो मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट रहेंगे केतु पर इतना ज्यादा बायफर होना मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने जैसे योगों को भी निर्मित कर देता है शुक्र यहाँ डेवलप ठीक है जो लग्जरीज कम्फर्ट या लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करते हैं परंतु यहाँ के जो आड़ी रेखाएं ये बिल्कुल ठीक नहीं होती जो अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करती है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ये सी रेखाएं क्रिएट होने लग जाती हैं और जब आप जैसे जा तक रिलेशनशिप के, के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में आ जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को लेकर के जजमेंटल हो जाते हैं या उनके नेचर में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तब भी शुक्र ऐसा बिहेव करता है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को चाहिए फ्रीडम वो ऑटोमेटिकली दूर हट जाएगा तो इस कंडीशन में शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती तो इंटरनल पीस हैप्पीनेस जॉयफुलनेस इंजॉयमेंट ये चीज़ नहीं हो पाता है इसीलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें किसी में किसी प्रकार की परिवर्तन करने की कोशिश ना करें ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में अप्लाई करें शुक्र आपका अच्छा बिहेव करेगा तो पीस हैप्पीनेस आने के साथ साथ रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन या स्ट्रॉन्गली मेंटेन हो जाने वाले यहाँ पर रहेंगे इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है कि लाइफ में ताकि अपने डिज़ायर एम्बिशन को आप कंप्लीट कर सकें और जब शुक्र ऐसा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में जीवन में जितने भी एक प्रकार से लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स है इसका तो लाभ उठता ही है लेकिन सारे डिजायर एम्बिशन भी कंप्लीट होते हैं सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है इसलिए मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपका रहेगा संजीवनी का कारक हो जाता है तो स्वास्थ्य नहीं ज़्यादा फिर होने नहीं देता है ऐसा शुक्र फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट है नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है शुक्र अच्छा है लाइफ में तो किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी पड़नी ही नहीं है केतु तो की के स्थिति भी बढ़िया है तो लग्जरीज कंफर्ट के साथ साथ ट्रैवलिंग के योग भी बहुत अच्छे निर्मित हो जाते हैं चंद्र थोड़ा डिस्टर्ब है तो देखिए क्रॉस का साइन होना चंद्र पे मदर के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते ये मदर से थोड़ी कम बनती है थोड़ा वैचारी कनबन मतभेद आ जाता है दूसरा इस कंडीशन में मन जो है शांत नहीं होता मन एकाग्रचित नहीं होता मन भटकता बहुत है और मन भटकने के कारण नेगेटिव थाट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं रेसलेसनेस कुछ ना कुछ वैचारिक स्थिति हमेशा गड़बड़ रहना यानी कुछ ना कुछ मन में चलते रहना तो इस कंडीशन में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और कोई काम ऐसा लगता है कि समय पर बन नहीं रहा है कुछ मन लैक हो हो नहीं रहा है तो इस कंडीशन में अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चांदी का चेन पहन सकते हैं माता का हमेशा आशीर्वाद लिया कर सकते हैं सुबह या पाँव दबा सकते हैं जितना हो सके लोगों को पानी पिलाने की आदत डालें सिर्फ इतना काम करने के साथ शिव जी के हो सके तो आराधना कर सकते हैं इनमें से कुछ भी सुटेबिलिटी हो वो आप काम करिए आपका जो चंद्र है वो स्टेबल होने लगेगा तो मन ऐसा विचलित होना भटकना या फिर मन के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी तकलीफ अगर परेशानी है क्योंकि आप जैसे आज तक बहुत ज़्यादा मन के गुलाम होते हुए देखने को मिलते हैं तो ये सब चीज़ धीरे धीरे जो है कंट्रोल होना शुरू यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी अभी आ रही है अभी आई नहीं है थोड़ा और समय लेगी ये इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट हुआ देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा आएगा रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा और माइंड लाइन के ऊपर से भी मरकरी लाइन निकल रही तो आप आगे चल के कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस भी डेफिनेटली प्रेफर करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि मून लक लाइन है लेकिन रुका है माइंड लाइन पे इसलिए आपके करियर में भी अप्रोक्स थर्टी सेवन या एट के आसपास में चेंजेस होने के चांसेस और करियर के रिगार्डिंग माइनर चेंजेस दो से तीन बार डेफिनेटली होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि दिल कुछ और कहेगा दिमाग कुछ और कहेगा कर कुछ और रहेंगे तो इसलिए इमोशनल सेटल्ड होना ज़्यादा इसमें ज़रूरी है और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर आपको अराउंड ट्वेंटी नाइन से थर्टी वन की मिट आ सकता है उसके बाद में फिर नहीं आएगा ऐसा कोई भी इशू फिर दिख नहीं रहा है और कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ लाइन से निकल रही है तो देखिए कभी भी आप इनिशिएटिव लेने से पीछे मत हटिएगा आपके द्वारा लिया गया कोई भी इनिशिएटिव या किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाएगा इसलिए आपको सफलता आपके खुद के मेहनत पर पराक्रम से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिलने वाली रहेगी तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद